हर चीज़ फ्रिज में भर देते हो, लेकिन इन 10 आइटम को भूल कर भी फ्रिज में मत रखना। नंबर 1, आलू। आलू से हो जाता है कैंसर का खतरा। फ्रिज में आलू को रखने के लिए मना किया जाता है। इसके पीछे वजह है कि फ्रिज का तापमान आलू के स्टार्च को ब्रेक कर देता है, इससे आलू में मीठापन बढ़ जाता है। फ्रिज में रखे आलू को पकाने पर इससे एक्रोलामाइड हानिकारक केमिकल निकलता है, इससे खाने से कैंसर होने तक का खतरा रहता है। इसलिए आलू को धूप से बचाकर खुले में रखना चाहिए। नंबर 2, प्याज। प्याज को भी फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। यदि प्याज कटी हुई हो तभी इसे फ्रिज में रखा जाना चाहिए। नंबर 3, लहसुन। लहसुन की कली कटी हुई हो या साबुत, इन्हें फ्रिज में नहीं रखा जाना चाहिए। लहसुन नरम होकर अंकुरित होने लगता है, इसका स्वाद कम हो जाता है और जो लहसुन का लाभकारी गुण होता है वह खत्म होने लगता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। नंबर 4, कॉफ़ी। कॉफ़ी को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे कॉफ़ी कंडेंस होकर जम जाती है। कॉफ़ी को रखने के लिए एयर टाइट डब्बे का इस्तेमाल करें, इससे इसका टेस्ट भी और महक भी बनी रहती है। नंबर 5, ब्रेड। फ्रिज में ब्रेड को रखने से बचना चाहिए। खुले में सामान्य तापमान में रखने पर ब्रेड अधिक समय तक चल जाती है, लेकिन फ्रिज में इसके रखने से यह जल्दी ख़राब हो जाती है। नंबर 6, सॉस, जैम व जेली। सॉस में विनेगर और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, ये सॉस को ख़राब होने से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। यदि सॉस खुल भी जाए तब भी ख़राब होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैम व जेली को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, खीरा। खीरे को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए, इससे खीरे की ऊपरी परत ख़राब हो जाती है। सामान्य तापमान में खीरा रखने से वह अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। नंबर 8, पक नहीं पाता केला। केला जब पक जाए तभी खाना चाहिए। अधिक तापमान केलों को पकने से रोकता है, इसलिए इन्हें सामान्य तापमान में रखें, इससे केला आसानी से पक जाता है। नंबर 9, टमाटर। टमाटर को भी फ्रिज में रखने से बचना चाहिए, इसे खुले में रखें तो ठीक रहता है। फ्रिज का तापमान टमाटर की बाहरी परत को नुकसान पहुँचाता है। नंबर 10, शहद। शहद प्राकृतिक रूप से प्रिजर्व्ड फूड होता है, इसे सामान्य तापमान में रखने से इसकी उम्र अधिक होती है। अधिक गर्म या अधिक ठंडे तापमान में बिल्कुल ना रखें, इससे शहद क्रिस्टलाइज होने लगता है, इससे इसके नेचुरल गुण खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।